हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्री क्रांति में। पिछले एनिमल हस्बेंड्री का जो वीडियो था उसमें पूछा गया था कि गौशाला की सही दिशा होनी चाहिए, गौशाला किस सही दिशा में होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर से दक्षिण की ओर। और इसको जो सही आंसर देने वाले हैं वो स्टूडेंट हैं गौरव बंजारे, शिवानी वर्मा, अजय, राहुल कश्यप। तो इनको बहुत बहुत बधाई जिन्होंने सही आंसर दिया। और आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन है, कृषि शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? लैटिन वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, इंग्लिश वर्ड से, जर्मन वर्ड से? तो इसका जो सही आंसर है वो है जो कृषि एग्रीकल्चर जो शब्द वर्ड है वो है लैटिन भाषा से निकला गया। जितने जैसे कल्चर वाले हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सभी जो है लैटिन वर्ड से। जितने एग्रोनॉमी या लास्ट में जो लॉजी वाले जो शब्द होते हैं जैसे एंटमोलॉजी, पैथोलॉजी, तो ये सब जो होते हैं ग्रीक वर्ड होते हैं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी शब्द कहाँ से आया है? तो लैटिन वर्ड, इंग्लिश वर्ड, ग्रीक वर्ड, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर वो है ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक वर्ड से एग्रोनॉमी शब्द आया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा जो फसल है उत्तरी भारत का खरीफ सीजन का फसल है? गेहूँ, जई, बाजरा, बरसीम? तो इसका जो सही आंसर है वो है बाजरा। बाजरा जो है उत्तर भारत का खरीफ सीजन का फसल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजेल हो गया या मेस्टा हो गया, इन फसलों में किसका उदाहरण है? ये मतलब किसका उदाहरण है आपको बताना है कि अनाज का है, दालों का है, तिलहन का है, रेशेदार फसल का? तो ये जो एग्जांपल है वो है रेशेदार जो फसल है उनका एग्जांपल है। ये फाइबर क्रॉप होते हैं जैसे पटसन वगैरह। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीपिंग इज ए रिकमेंडेड इन विच ऑफ द चिकपी? मतलब जो चने होते हैं वो किस प्रकार के चने में जो नीपिंग क्रिया होता है, नीपिंग मतलब होता है चने के जो ऊपरी ब्रांचेस होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है बर्ड्स को, ताकि उनका नंबर ऑफ ब्रांचेस को बढ़ाया जा सके। तो ये किस चने में किया जाता है, देसी चने में, काबली चने में, उपयुक्त दोनों में? तो इसका जो सही आंसर वो है देसी चनों में नीपिंग की प्रोसेस ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के उन्नत उपज के लिए निम्न में से प्लांट स्पेसिंग मतलब पौध के बीच में दूरी की सलाह दी जाती है? 30x45 सेंटीमीटर, 30x7.5 सेंटीमीटर, 15x7.5 सेंटीमीटर? तो इसका जो सही आंसर है वो है 15x7.5, ये उपयुक्त तो प्लांटिंग डिस्टेंस होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कौन सी गैस धान की खेतों से निकलती है? मैथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया? तो इसका जो सही आंसर है जो है मेथेन जो होते हैं वो धान के खेत से निकलते हैं। जनरली जो मेथेन गैस है उसको मार्स गैस कहा जाता है, क्योंकि ये जो होते दलदली जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये गैस निकलते हैं। और धान का फील्ड भी लगभग दलदली टाइप का ही रहता है जिसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होता है धान को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के दल झील निम्नलिखित में से किस प्रकार के वेजिटेबल गार्डिंग मतलब सब्जियों की खेती का पालन किया जाता है? ऑप्शन जो है फ्लोटिंग गार्डन, हाइड्रोपोनिक्स, किचन गार्डन, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर वो है फ्लोटिंग गार्डन। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स मतलब होता है कि बिना सॉइल के खेती किया जाता है, और किचन गार्डन मतलब घर के आसपास की जो खाली ज़मीन होती है वहाँ पे सब्जी वगैरह उगाया जाता है, इसको कहा जाता है किचन गार्डन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि भंडारण के दौरान प्याज के अंकुरण को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, NaMHGA या PCA? तो इसका जो सही आंसर है वो है MH का उपयोग किया जाता है, ये जो है प्याज के अंकुरण को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बंधा गोभी के अगेती किस्म है? आपको कैबेज का अगेती किस्म बताना है। तो इसका जो पहला जो वेराइटी है वो है फ्राइड ऑफ इंडिया, अर्ली ड्रम हेड, और ये चीप टेंट, और नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राइड ऑफ इंडिया, कैबेज का जो एक अगेती किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का जो कितने तापमान पर आलू का जो कंद होता है उसका उत्पादन पूरी तरह से बंद हो जाता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या नॉन ऑफ दिस? तो इसका जो सही आंसर वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड में, 30 डिग्री सेंटीग्रेड में आलू पोटैटो जो होता है उसका उत्पादन बंद हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर जो होते हैं उसमें दरार आने के कारण मतलब फ्रूट जो क्रैकिंग होता है टोमेटो में उसका कारण क्या है, ये बताना है। ऑप्शन है असंबंधित पानी, अकाल यानी सूखा के बाद भारी मात्रा में पानी देना, अधिक पानी डालना, या अपर्याप्त पानी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो है दूसरा,
अकाल की अवधि के बाद भारी मात्रा में पानी डालना। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि मैदानी इलाकों में उष्णकटिबंधीय गाजर उगाने के सबसे उत्तम समय है, मतलब गाजर उगाने में मैदानी इलाकों में कौन सा समय उपयुक्त है। मध्य अगस्त से सितंबर का शुरुआत तक, नवंबर दिसंबर में, जुलाई अगस्त में, नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला, मध्य अगस्त से सितंबर की शुरुआत बेस्ट रहता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटैटो इज ए नेटिव, मतलब आपको आलू का उत्पत्ति स्थान बताना है, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिण अमेरिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोभी में विप्टल का कारण होता है, विप्टल का कारण गोभी में क्या होता है, कैबेज में, सॉरी कॉलीफ्लावर में। तो इसको बताना है आपको कि बोरान की अधिकता से होता है, कि बोरान की कमी से, कि मॉलिब्डेनम की अधिकता से, कि मॉलिब्डेनम की कमी से। तो इसका जो सही आंसर वो है मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूली का जो परागण होता है, पॉलिनेशन, किसके द्वारा होता है, मक्खी के द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है, यानी जल के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर वो है मधुमक्खी के द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फूलों के स्टेम जीवन के लिए ज़्यादातर कट फ्लावर को किस ताप पर संग्रहित नहीं करना चाहिए, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर स्टोरेज करके नहीं रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एक प्रकार का संचरण, मतलब एक प्रकार का जो प्रोपगेशन मेथड्स होता है, किसमें मादा से उसका जो पौधे का भाग रहता है वो जुड़ा रहता है, लेयरिंग में जुड़ा रहता है, कि स्टेम कटिंग में जुड़ा रहता है, कि रूट कटिंग में, कि डिवीजन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है लेयरिंग में, मादा जो जो उनके पेरेंट्स जो प्लांट होते हैं उनसे जुड़ा ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक जो टीलेज होता है, प्राइमरी टीलेज में प्रैक्टिस नहीं किया जाता, मतलब कौन सा जो अभ्यास जो है वो नहीं किया जाता है, प्लॉइंग, प्लांकिंग, हैरोइंग, वीडिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है वीडिंग, वीडिंग जो है सेकेंडरी जो टीलेज ऑपरेशन होता है उसमें किया जाता है, प्राइमरी में नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द राइस वेराइटी ग्रोइंग इन इंडिया, मतलब भारत में उगाए जाने वाले जो राइस की किस्म है वो कौन सा है, आपको बताना है कि इंडिका वाला जो किस्म है उगाया जाता है, कि जपोनिकम वाला किया जाता है, कि जवानिकम। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडिया में जो है इंडिका का किया जाता है, और जपोनिका जापान में किया जाता है, जवानिका जो होता है इंडोनेशिया में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चावल की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, दक्षिण पश्चिम एशिया से, यूरोप से, दक्षिण अमेरिका से, भारत और बर्मा से। इसका आंसर सही आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।